सीधी भर्ती के 18 पीसीएस अधिकारी अपनी वरिष्ठता की जंग जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के साल 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार और कार्यवाहक तहसीलदार जो पदोन्नति पाकर एसडीएम बने 48 अधिकारियों को जूनियर माना है। इसके साथ ही सीधी भर्ती के अधिकारियों के आईएएस बनने की राह भी खुल गई है। वरिष्ठता विवाद के चलते ही पिछले कई सालों से मामला लटका था। बता दें कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तब उत्तर प्रदेश से पीसीएस अधिकारी बहुत कम संख्या उत्तराखंड आए थे। अधिकारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने तहसीलदार और कार्यवाहक तहसीलदारों को पदोन्नति देकर उप जिला अधिकारी बना दिया था। 48 अधिकारियों के विपक्ष में सीधी भर्ती के 18 पीसीएस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अधिकारियों को निरस्त किया था। पदोन्नति पाकर एसडीएम बने 48 अधिकारियों को जूनियर कोर्ट की तरफ से माना गया था। तो सीधी भर्ती के अधिकारियों का आईएएस बनने की जो राह है वो खुलती नजर आ रही है। 18 पीसीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए ये राह जूनियर अधिकारियों के लिए काफी आसान कर दी है और अब सीधी भर्ती के अधिकारियों का आईएएस बनने की जो राह है वो खुलती नजर आ रही है। तो 18 पीसीएस अधिकारी अब माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद आईएएस अधिकारी बन सकेंगे। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के दिए आदेश को निरस्त करते हुए। संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, सीधी भर्ती के अधिकारियों का आईएएस बनने की राह अब खुली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने खासतौर पर 48 लोगों को प्रोन्नति दी थी और जिसमें इन लोगों का नाम नहीं था और ये सारे अधिकारी जो है 2002 बैच के पीसीएस है जिन्हें की अब आईएएस बनाने का निर्देश आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो जाहिर तौर पे अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा क्योंकि जिस तरह विरोध हुआ था और खासतौर पर हाई कोर्ट में भी सरकार की दलीलें जो है वो हाई कोर्ट ने सुनी थी उत्तराखंड सरकार की, उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए, अब ये राह तो आसान कर दिया, लेकिन अब अमली जामा कब तक इसको आदेश को पहनाया जाएगा राज्य में? अमित देखिए, ये चूंकि उत्तराखंड सरकार का काम है, अब जब आज डिसीजन आया है तो इसके बाद कॉपी जाएगी सरकार, इसे लेके जो है वो सरकार इसे लेके पूरी विवेचना करेगी। उसके बाद एक बात ये भी है कि आज सरकार इसे लेके दोबारा पिटीशन डाल सकती है, या अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास भी विकल्प है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश किया जाए और दस्तावेज कुछ और क्लू दिए जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब इस आदेश को चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार को पालन करना होगा। अगर राज्य सरकार अपनी अगली कोई दलील सुप्रीम कोर्ट में नहीं देती है तो बहुत जल्द जो है, अब अमित फैसला तो आ गया, हालांकि देखना होगा अमली जामा कब तक इसको पहनाया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से इस आईएएस बनने की राह सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए खुली है, ऐसे में अगर बात करें काफी लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही थी, अब इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा तोहफा और एक बड़ी आसानी। जी बिल्कुल, देखिए 2002 बैच की ये सब पीसीएस है और जाहिर तौर पे जिस इस तरह का डिसीजन जब आता है तो ना सिर्फ जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं उनके लिए बल्कि आगे आने वाले लोगों के लिए भी मिसाल होता है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उन्हीं बेस्ड अगले केसों की सुनवाई होती है, तो जब भी इस तरह का कोई मामला होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उस मामले को बल मिलेगा और आगे आने वाले जो खासतौर पर पीसीएस है उनके लिए रास्ता खुल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।